भी मैं हूँ आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए नजर आते हैं प्रदेश की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के निरीक्षण वन पहुंची प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए स्वाति सिंह ने बलिया मामले पर बड़ा बयान दिया, साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष सचिन मेहरोत्रा के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अविनाश कन्नौजिया की रिपोर्ट। है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जब ऐसी घटना घटती है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या रुख रहता है और सरकार का क्या रुख रहता है। मुझे लगता है कि किसी भी टिप्पणी को करने से पहले हमें ये इंतज़ार भी करना चाहिए कि उस पर कार्रवाई जो हो रही है और आगे जो कार्रवाई हो तो उसका इंतज़ार करिए और बिल्कुल उचित कार्रवाई। मैं विपक्षियों के लिए देखिए, मैं जो विपक्षी सवाल खड़े करते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है और कोई भी ऐसा दोषी व्यक्ति जिसे बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी का क्लियर इंस्ट्रक्शन है पुलिस प्रशासन को कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के को बख्शना नहीं है जो इस तरह की कोई भी किसी महिला के विरोध में कोई कार्य कर रहा है या उसके मान सम्मान के विरोध में कोई कार्य कर रहा है। मायावती जी, और जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस महिला से आपने मुझसे आपने सवाल पूछा है, कहीं ना कहीं मैं और मेरे परिवार की हर एक महिला उन लोगों के कार्यकाल में जिस तरीके से महिलाओं के जो के लिए जो डेरोगेटरी वर्ड्स को जो यूज़ किया गया था, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि मायावती जी हों या फिर अखिलेश यादव हों या प्रियंका गांधी हों, इन्हें इस तरह के सवाल खड़े करने का कोई। तो खबर का सिलसिला यूं चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव।